रमनी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह करे सब खैरियत से हो, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिस्टर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दागा सीख कबाब, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कीमा 1 किलो, यानी 80% कीमा चाहिए बारीक, और 20% चर्बी, प्याज 2 अदद, इसको बारीक पीस के इसका पानी निचोड़ दिया है, अदरक 1 चम्मच, हल्दी आधी टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सुरख पिसी मिर्चें 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच, और ये सीखे हैं चोरस और ये धागा। सबसे पहले कीमे के अंदर प्याज, चर्बी, अदरक पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें और सारे मसाले डालेंगे और इसको सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा धनिया मैंने डाला है इसके अंदर ताकि ग्रीन नज़र आए। वैसे तो सारी चीज़ें चॉपर में चॉप करनी चाहिए, मैंने आपको दिखाने के लिए चर्बी प्याज वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग की हुई थी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे नए देखने वाले व्यूवर्स को चाहिए कि वो बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको आइंदा वीडियो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसको हाथ में लेंगे और इसके अंदर से ऐसे गुजारेंगे, और सबसे पहले ये पिछला हिस्सा इसको बंद करेंगे, इसका मुंह, ये जितना बारीक हो इसको बारीक करते जाएंगे, और ये पानी ठंडा या बर्फ़ वाला होना चाहिए क्योंकि हाथों की गर्मी से भी कबाब टूट सकते हैं। सारी साइडों से देखना है, एक जैसे होने चाहिए। और फिर इस तरह निशान लगा लें। ये एक सीख तैयार हो चुकी है, इसी तरह हमने सारी बनानी है। ये देखें इस तरह ये धागा बांधना, और इधर से भी दूसरी साइड पे लेके जाना। और यहाँ इसको काट देना। इसी तरह ये दूसरा भी ऐसे करेंगे। पहले ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ।
और फिर यहाँ से कट कर देंगे। कीमा जितना बारीक होगा उतने ही आपके कबाब भी अच्छे बनेंगे। और सीख जो है वो इसके लिए स्क्वायर होती है, क्योंकि ये सारी साइडों से फिर अच्छी तरह पक जाती है और ये कबाब को गिरने भी नहीं देती। कीमा अगर आपका गर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उसको फ्रिज में रख लें। और ठंडा पानी हाथों को लगाते जाएं। लास्ट और एंड जो है इसका बंद कर दें और फिर धागे से इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आप ही बहुत अच्छे बनाएंगे, बल्कि मेरे से भी अच्छे बनाएंगे। आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कबाब कैसे लगे। अब इसको हम आग पे पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि ये भी सख्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आइंदा वीडियोस मिलती रहें। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शाइन जो आपको नज़र आ रही है वो चर्बी की है। इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो घी जो होता है वो गिरने का खतरा होता है। जब मेल्ट हो जाएगा तो वो घी की वजह से कबाब गिर जाएंगे, इसलिए इसके अंदर चर्बी डालते हैं। अगर चर्बी ना हो तो यूनिपफ जो हम पैटीज में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर ये कोयलों के अंदर हो तो इसकी वजह से स्मोक पैदा होती है और उससे फिर बारबेक्यू का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। अब यहाँ आज मैं आपको चूल्हे पे सिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको कोयलों के ऊपर सिखाऊंगी। इसका ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही ऑयली हो रही है। देखिए शाइन आपको नज़र आ रही है, ये चर्बी की वजह से है। कीमे के अंदर पानी होगा या प्याज के अंदर पानी होगा तो उससे भी कबाब टूट सकते हैं।
प्याज को और कीमे को कपड़े में डाल के निचोड़ लें अच्छी तरह। और मसाले कम रखें क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही खाए जाते हैं। मसाले अगर कम होंगे तो इसको दही के साथ और चटनियों के साथ खा सकते हैं, तो उसके अंदर फिर बैलेंस हो जाता है। अगर ज़्यादा होंगे तो फिर खाना मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने कैसे बनाए और आपको कैसे लगे। ये तैयार हो चुके हैं, इसी तरह हम दूसरे भी तैयार करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये तैयार हो चुके हैं, अब इनको जैसे आप दिल चाहे खाएं, दही के साथ, टमाटर की चटनी, किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि सीख जो है वो चूल्हे से दूर रखनी है और ठंडी करके साफ़ करनी है और फिर दोबारा इसके ऊपर आपने कीमा लगाना है। इंशाल्लाह आपको मेरी टिप्स अच्छी लगेंगी, उम्मीद है कि आपके कबाब भी इसी तरह अच्छे बनेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, अब तक चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।